जय श्री राम आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौथे नवरात्रि के दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस साल वर्ष 2024 में 6 अक्टूबर को चौथा नवरात्र मनाया जाएगा। इस दिन विधि विधान के साथ माता की पूजा व व्रत किया जाएगा। तो आइए जानते हैं माता की व्रत कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मन हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय हो देवी कुष्मांडा की। जय हो माँ भगवती की।